गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम पे। मेरा नाम है किशन साहब। 2016 में 4 नंबर का इतना बेहतरीन सवाल है ये, यकीन मानो इस क्वेश्चन को आप कर ही नहीं पाओगे। चैलेंज है मेरा, वीडियो को रोक के पॉज करके करने की कोशिश करो, ठीक है? कर लिया होगा अपने आपने, अब देखो कैसे करते हैं, ठीक है? हमें क्या दिया हुआ है, सेके ये दिया हुआ है, और हमें प्रूफ क्या करना है, सेके प्लस टेन है 2x और 1/2x। अब देखो दो वैल्यू कैसी आती है, दो वैल्यू तभी आएगी जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही दो वैल्यू देता है, मतलब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन लानी पड़ेगी, मतलब पावर टू लानी पड़ेगी। पावर टू कैसे आएगी देखना ध्यान से। हमें सेक दिया हुआ है और टेन दिया हुआ है, और सेक और टेन में ही रिलेशन पूछ रहा है, तो हमें पता है भाई, हमें एक फार्मूला होता है, क्या होता है, यूजुअल आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन। तो भाई सेक तो मेरे पास है, टेन निकालना है, तो इस टेन को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे sec की वैल्यू रख लो, sec की वैल्यू कितनी है, देखो ध्यान से, इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे sec कितना है भाई, यहाँ देखो, तो x plus 1/4x का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, और यहां से कितना है, टेन स्क्वायर के बराबर चल रहा है, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इसका स्क्वायर खोल दो, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस इस पूरे का, तो 1/16 x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू x इंटू 1/4x, तो यहां पे कितना है, माइनस का वन, किसके इक्वल चल रहा है, टेन स्क्वायर के। अब देखो ध्यान से, इस x से ये x कट गया और 2 बन गया 2 तो यहां से क्या बचे हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और यहां पे ध्यान से देखो तो क्या बचा, ये 1/2 प्लस का 1/2 और माइनस का वन इक्वल टू जो चल रहा है हमारा, ठीक है। यहां तक आपने कर लिया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखना ध्यान से देखना बेटा, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा सर बहुत शानदार क्वेश्चन है। अब यहां पे इसको सोल्व करो तो ये क्या बन गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1/16 x स्क्वायर, और ये क्या बन गया, माइनस का 1/2 इक्वल टू क्या था, ये 10 स्क्वायर ए। अब ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूं x into x प्लस 1/4x into 1/4x, ठीक है, और माइनस का 1/2। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो आपको एक हिडन फार्मूला मिलेगा इसके अंदर, क्या फार्मूला मिलेगा, यहां देखो, ये a मान लिया, ये a मान लिया, और ये b हो गया पूरा, ये और ये पूरा b हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, लेकिन सर यहां तो आधा ही है, तो इसको मैं फिर से ये करूं, देखो ध्यान से, तो 2ab, तो इसकी जगह मैं ये लिख दूं 2 into ये कितना है, x into प्लस का 1/4x, तो देखो इस x से ये x कट गया और इससे ये कट गया, तो अल्टीमेट कितना है, माइनस 1/2, और यहां पे क्या मेरा अल्टीमेट माइनस 1/2, तो क्या फार्मूला मिल गया ये, ध्यान से देखो फार्मूला क्या मिल गया मेरे पास, अब ये फार्मूला मेरे पास ये बन गया, x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, और यहां पे क्या है, 10 स्क्वायर ए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहां पे आप 100% गलती करोगे, क्या गलती करोगे बता देता हूं, इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को काट लोगे, ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, देखो ध्यान से, यहां पे भी स्क्वायर है और यहां पे भी, ऐसे कटता नहीं है, ठीक है, कैसे करेंगे इसको, तो इसको मैं ये लिख सकता हूं 10a इक्वल टू, जब भी ये स्क्वायर इधर आता है तो क्या लगता है, पहले प्लस माइनस, फिर अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, और हमें पता है रूट पे स्क्वायर हो तो हट जाता है, तो अल्टीमेट मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 10a इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स माइनस 1/4x। क्लियर है यहां तक, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां पे मेरे पास दो वैल्यू आ गई, ठीक है, दो वैल्यू कौन कौन सी, 10 की दो वैल्यू आ गई, 10 की दो वैल्यू कौन कौन सी आई, एक तो 10a इक्वल टू प्लस का ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/4x एंड 10a इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1/4x। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें जो लेना है, हमें प्रूफ क्या करना है, sec a प्लस 10a, ठीक है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, sec a प्लस 10a। अब देखना ध्यान से, तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, टेकिंग 10a इक्वल टू x माइनस 1/4x,
ये वैल्यू ली, अब पुट कर दो तो भाई सेके प्लस टेन है, ठीक है, सेके कितना है ये रहा, तो एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स, और यहां से कितना है प्लस का एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स, तो देखो इससे ये कट गया, तो एक्स और एक्स मिल गए कितने आ गए टू एक्स, मतलब एक पार्ट मेरा प्रूफ हो गया, ये वाला टू एक्स। अब दूसरा पार्ट प्रूफ करते हैं, दूसरा क्या है टेकिंग टेन ए इक्वल टू माइनस का एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब प्रूफ क्या कराना था हमें, सेके प्लस टेन, ठीक है, सेके मेरे पास कितना है भाई एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स, ठीक है, ये हो गया। और यहां पे क्या लिखना है प्लस और ब्रैकेट लगा के, ये देखो यहां पे आप पक्का गलती करोगे, ब्रैकेट लगा के माइनस और एक्स माइनस वन अपॉन फोर एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस और ये माइनस अंदर जाएगा, तो क्या आएगा एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स और माइनस का एक्स और माइनस माइनस प्लस का वन अपॉन फोर एक्स, तो देखो इस एक्स से ये एक्स कर दिया, वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर एक्स, मतलब क्या आ जाएगा टू अपॉन फोर एक्स, क्लियर है यहां तक। और यहां देखो इससे टू वन जा टू टू जा, तो अल्टीमेट आंसर क्या आ गया वन अपॉन टू एक्स, और यही हमें सेकेंड पार्ट प्रूफ करना था। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, 2016 में चार नंबर का आया हुआ। मैंने अब आपको यकीन हो गया होगा कि मैंने क्यों कहा था ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अल्टीमेट क्वेश्चन है, ध्यान रखना बहुत बढ़िया क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये, नोट डाउन करना अच्छे से। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालू उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक खुश रहो स्वस्थ रहो तैयारी करते रहो, बाय बाय दोस्तों।